हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए लाई हूँ मसालेदार भरवा हरी मिर्ची और साथ में मसालेदार हरी मिर्ची की सब्जी, जो चटपटी, तीखी और काफ़ी मज़ेदार है। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस रेसिपी को। यहाँ पर हमने हरी मिर्ची ली है और इसे अच्छे से वॉश किया। वॉश करने के बाद थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ दिया जिससे ये सूख गई है। और अब इसमें हम खड़े में कट करेंगे। जैसे ही एक मिर्ची हमने कट की, ऐसे ही जितनी भी मिर्ची यहाँ पर रखी हैं सबको ऐसे ही खड़े में कट कर लेंगे और मिर्ची में जो अंदर से बीज हैं इनको निकालेंगे नहीं। ये हरी मिर्ची है, अचार बनाने के काम भी आती है और इसकी भरवा हरी मिर्ची भी बहुत अच्छी बनती है। इसमें तीखापन नहीं होता है इसलिए हम इसके बीज नहीं हटाएंगे और इसी में हम मसाले भरकर तैयार करेंगे। तो जैसे ही हमने ये सारी मिर्ची काट ली हैं, ऐसे ही हम जितनी भी यहाँ पर हमने मिर्ची रखी है उसे भी काट लेंगे। सारी मिर्ची हमने यहाँ पर कट कर ली है। अब इसका मसाला बनाएंगे। मसाला बनाने के लिए हम 4 चम्मच धनिया पाउडर डाल लेते हैं और बड़ी चम्मच से 1 चम्मच मिर्च पाउडर डालेंगे और 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल लिया है और 1 चम्मच गरम मसाला और 1 चम्मच हमने इसमें नमक डाल लिया है बड़ी चम्मच से और 2 चम्मच हम अमचूर पाउडर डाल देंगे, क्योंकि जो ये मिर्च बनेगी जैसे ही टेस्टी हमारा अचार होता है उसी प्रकार से हमारी भरवा मिर्ची भी बनेगी। और यहाँ पर हमने 1/2 चम्मच इसमें काला नमक डाल लिया। काला नमक और बढ़िया टेस्ट इसमें देगा। तो इसे हम कर लेते हैं यहाँ पर मिक्स। मसाले हमने यहाँ पर मिक्स कर लिए हैं। तो अब हम गैस पर चले जाते हैं। गैस पर हमने एक पैन रखा और इसमें ऑयल डाल लेंगे। अब यहाँ पर ऑयल को हम थोड़ा सा गर्म होने देंगे और हमने यहाँ पर जो बर्तन लिया है हमारा मोटा है। अगर आप पतला बर्तन लेते हैं तो ऑयल जैसे ही गर्म होता है तो गैस को आप बिल्कुल लो फ्लेम में रखें या बंद भी कर सकते हैं। और उसके बाद जब ये हमारा ऑयल यहाँ पर थोड़ा ठंडा होता है उसके बाद ही आप इसमें बेसन डालिएगा। पर यहाँ पर बर्तन अगर मोटा है तो आप डायरेक्ट उसमें डाल सकते हैं। ऑयल गर्म हो गया है तो अब हम इसमें बेसन डालेंगे। 4 चम्मच हम यहाँ पर बेसन डाल लेते हैं और इसे भी अच्छे से हम यहाँ पर रोस्ट कर लेंगे। बेसन यहाँ पर हमने अच्छे से रोस्ट कर लिया है और जो हमने पहले मसाले बनाकर तैयार किए हैं उन्हें इसमें डाल लेते हैं। मसाले इसमें डाल लिए, अब इन्हें हम साथ में अच्छे से रोस्ट कर लेंगे और इन्हें भी हमने साथ में थोड़ी देर रोस्ट कर लिया है। और ये हमारे अच्छे से रोस्ट हो गए तो अब हम यहाँ पर गैस को कर देंगे बंद और मसालों को निकाल लेंगे एक प्लेट में। मसालों को प्लेट में रखने के बाद अब हम मिर्ची में मसाले भरना स्टार्ट करते हैं। ऐसे ही हम सारी मिर्ची में मसाले भरेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं भरेंगे और बहुत कम भी नहीं भरेंगे। बहुत ज़्यादा भरने से मसाले बाहर आ जाते हैं और कम मसाले भरने से जो हमारी भरवा मिर्ची है टेस्टी नहीं लगती है। तो हम इसमें ठीक ठीक मसाले भरकर तैयार करेंगे। सारे जो मिर्ची रखी हैं सभी में हम इसी प्रकार से मसाले भर लेंगे। लेकिन फ्रेंड, वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। हम इसकी 2 प्रकार से यहाँ पर सब्जी बनाएंगे। एक तो भरवा हरी मिर्ची बनाएंगे और एक सब्जी बनाएंगे। तो आप वीडियो में बने रहिए। और अगर आप मेरी वीडियो में बिल्कुल नए हैं तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सारी मिर्ची में हम इसी प्रकार से फटाफट इन्हें भर लेते हैं। मसालों को हम थोड़ा सा बचा भी लेंगे क्योंकि इनका यूज हमें बाद में करना है। तो अब हमने सारी मिर्ची भरकर तैयार कर दी। तो गैस पर आए, पैन रखा, ऑयल डाला, ऑयल हुआ गर्म तो इसमें डाल ली है हींग। हींग डालने के बाद इसमें मिर्ची डाल ली है और इन्हें हमने 2 भागों में डिवाइड कर लिया। एक में तो हम भरवा मिर्ची तैयार करेंगे और एक में इसकी बनाएंगे सब्जी। इन्हें हमने पलट पलट कर बनाना है और बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है। पलटते पलटते जो क्रंची सा बन जाए ऐसा हम इसे तैयार करेंगे। यहाँ पर हमने मिर्ची को पलट पलट कर अच्छे से कुक कर लिया है और क्रंची सी मिर्ची बनकर तैयार हो गई है।
हमने इसमें से थोड़ा मसाला जो बचा के रखा था उसे थोड़ा ऊपर से डाल लेते हैं। मसाला ऊपर से डाल लिया है और इसे भी हम पलट पलट कर कुक करेंगे, क्योंकि मसाला हमारी मिर्ची से लग जाएगा, कवर कर लेगा मिर्ची को बाहर से और बहुत टेस्टी बनकर तैयार हो जाएंगी मिर्ची। तो इस प्रकार से हमारी भरवा मिर्ची बनकर तैयार हो गई है। हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेते हैं और हमने सारी मिर्ची एक प्लेट में निकाल ली है। अब इसमें हम ऊपर से डाल लेते हैं नींबू का रस। हमने एक छोटा सा नींबू काटा और उसका रस इसमें डाल लिया है। अमचूर पाउडर का जो खट्टापन होता है वो अलग होता है और नींबू का खट्टापन अलग होता है। नींबू डालने से हमारी मिर्ची बहुत अच्छी बनकर तैयार हो गई है। अब हम जो आधे हमने बचा रखे हैं उनकी बनाएंगे यहाँ पर सब्जी। पैन में हमने ऑयल डाला और ऑयल गर्म हुआ तो हम इसमें डाल लेंगे थोड़ा सा हींग। हींग डाल ली है और अब इसमें मिर्चियों को डाल लेंगे फटाफट से। यहाँ पर भी हम मिर्ची को फटाफट से पलट पलट कर कुक करते रहेंगे जैसे हमने पहले किया था। क्रंची क्रंची सी हमारी मिर्ची कुक हो गई है और अब हमने जो यहाँ पर मसाला इसके लिए बचा के रखा है उसे ऊपर से डाल लेते हैं। मसाला ऊपर से डाल लिया है और अच्छे से इसको पलट लेंगे, मिर्ची में कवर हो जाएगा। और इसके लिए हमने 2-3 चम्मच दही रखा है तो अब हम इसके ऊपर से डाल लेते हैं दही। दही डाल लिया है और इसे पलट पलट कर यहाँ पर हम कुक कर रहे हैं। थोड़ा दही और डाल लिया और इसे फिर से पलट पलट कर कुक किया। 1 चम्मच यहाँ पर हमने कश्मीरी मिर्च डाल ली है। कश्मीरी मिर्च से कलर अच्छा आ जाता है और पहले हमने लाल मिर्च पाउडर डाला था, यहाँ पर हमने कश्मीरी मिर्च से कलर दे दिया इसमें। और थोड़ा सा पानी डाल लिया है, पानी आप थोड़ा और भी डाल सकते हैं जितना आपको चाहिए। तो इसे कुक करने के लिए थोड़ा पानी इसमें और डाल लेते हैं। पानी डाल लिया और इसे थोड़ा देर कुक होने देंगे। मिर्ची हमारी बनकर तैयार है। तो फ्रेंड्स, हमारी 2 प्रकार की सब्जी बनके तैयार हो गई है। हरी भरवा हरी मिर्च बिल्कुल चटपटी अचार स्टाइल में, और एक हमने बना ली दही डालकर। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आती है मेरी वीडियो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को कीजिएगा लाइक, अपने फ्रेंड्स में शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।